और अब 10 खबरें 3 मिनट में। प्रधानमंत्री कल ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्च में विश्व डेयरी सम्मेलन 22 का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, यूक्रेन संकट के बावजूद भारत इस वर्ष विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में विधि व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में विगत दिनों हुई आपराधिक घटनाओं की जानकारी ली। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को अस्पताल की व्यवस्था और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। जेईई एडवांस 2022 के नतीजे जारी। jeeadd.ac.in के जरिए छात्र चेक कर सकते हैं अपना परिणाम। तारापुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक पार्वती देवी का लखनपुर गांव स्थित उनके निजी आवास पर निधन हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राजधानी सहित प्रदेश के 20 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना व्यक्त की। एशिया कप 2022 का फाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।